आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना महामारी बाहर फैली हुई है। उससे बचने के लिए आप सबसे पहले नियमित तौर से आप सिर्फ योग करें। देखिए, योग करेंगे आप कोरोना से बचेंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ योग। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथों को हिलाएं, हिलाते जाए दोनों हाथों को, फुर्ती के साथ करें। देखिए, योग आप जब कभी भी करते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि आपको बस खाना पूर्ति करनी है, नहीं। आप ये सोच के करिए, आप घंटों अपना टाइम जिम में बिता देते हैं। आप देखिए, जिम वगैरह सब कुछ आपका बंद है, तो आप उससे अच्छा है अपने घर पे ही कोई एकांत में कोई कमरा हो आपका, वो ढूंढिए और वहां आप ये योग एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, घुमाते जाए हाथों को। देखिए, सूक्ष्म क्रियाएं हम इंग्लिश में हम इसको वार्म अप बोल देते हैं। इसका सबसे अच्छा मोटिव ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी आप योग जब करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, दोनों पैरों को झटकाएं, हाथ दोनों कमर पे रखें, धीरे धीरे झटकाएं। देखिए, जब आप ये पैर झटकाते हैं तो आपको महसूस करना है कि आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया है। ठीक है, अब दाएं बाएं करें, करते जाएं, पीछे की तरफ। ठीक है, अब दोनों भुजाओं को खोलें, करते जाएं। कम से कम 20 बार आपको करना है। जब कभी भी आप कोई भी सूक्ष्म क्रिया करेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी सांसों के साथ तालमेल बिठाना है कि कैसे आपको सांसें लेनी है, कैसे आपको बाहर छोड़ना है। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे हम या कोई भी आप क्रिया करते हैं, जब कभी भी आपकी कोई भी मसल जब हमारी स्वेलअप होगी उस टाइम हमें अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके आना। ठीक है, तो करते जाए, सांस भरे बाहर। ना चेंज करते हैं, पैरों में थोड़ा फासला रखें, कंधों जितना फासला, दोनों हाथ आपके कंधे पे आएंगे और करते जाएं। देखिए, नजर सामने रखें, पूरी कमर को मोड़े, करते जाएं। कई बार हम करते करते साइड में भी देख लेते हैं, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका जो मुंह हो वो सामने की ओर रहे। ठीक है, अब अगली क्रिया करते हैं, दोनों हाथ फिर से यहां रखें, करें। लेकिन जब सामने आएंगे आपके दोनों कोहनियां मिलेंगी, वापिस जाएंगे, ऐसे कानों से टच होते हुए आपके आएंगे, दोनों कान छुएंगे और फिर आपके आगे हाथ मिलेंगे। करें, विपरीत दिशा में करें। देखिए, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी है आपको, बिल्कुल धीरे धीरे करते जाएं। ठीक है, दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां खोलें और बंद करें। देखिए, जब आप ये मुट्ठियां खोलते हैं और बंद करते हैं, इसमें आपको कोशिश करनी है कि पूरी खिंचाई से, पूरी फुर्ती के साथ, पूरी ताकत लगाएं अपने उंगलियों को अपनी मुट्ठी बनाने में, घुमाएं इनको गोलाकार में, विपरीत दिशा में घुमाएं, हथेलियों को ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं। ठीक है, दोनों हाथ कमर पे रखें, कमर को घुमाएं, पूरा वृत्ताकार में घुमाएं। विपरीत दिशा में, पैरों में कंधों जितना फासला रखना है आपको। ठीक है, अब दोनों हाथ फिर से रखें, गर्दन को घुमाएं। देखिए, जब आप ये क्रिया करते हैं, इस वक्त आपको आपकी आंखें बंद नहीं करनी है,
अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आपको चक्कर आ सकता है। देखिए जब ये करेंगे हम यहाँ बाई तरफ जब जाते हैं तो आपका कान आपके कंधे से लगेगा, दाई तरफ आएंगे तो दाहिना कान कान लगेगा, विपरीत दिशा में दाई तरफ खींचे गर्दन को, सामने देखे फिर से खींचे करें, ऊपर नीचे की ऊपर करें नीचे दाएं बाएं दोनों हाथ सामने करें। हॉर्स राइडिंग स्टांस भी हम इसे बोलते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ करके अपनी मुट्ठियां बंद कर लें और थोड़ी देर बैठें। कमर सीधी, घुटने सामने की तरफ। कोशिश करें आप कुछ देर रुकें, सांसों को सामान्य बनाए रखें। वापस दोनों हाथ फिर से सामने करें, देखिए मन में प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप जोर जबरदस्ती कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी जो हम सूक्ष्म क्रियाएं जो करते हैं वो खड़े होकर करने वाली। इसमें आप एक या दो और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपने ही स्थान पे खड़े रहे और दौड़ लगाए वहां पे। सामने देखते रहे, ठीक है। अब देखो दोनों हथेलियां अपने तंबू पे रखे और टच करें अपने एडी से, ठीक है। अब दोनों हाथ यहां रखें। अब हमें दाएं हाथ के की कोहनी से आपके बाएं हाथ के घुटने को टच करना है। कैसे देखिए, एक दो तीन चार सब घुटना उठाएं जितना ऊपर उठा सकते हैं। करते जाए थोड़ी जंपिंग जा करते हैं, लग लीजिए आप। ये तो थी आपकी जो हम सूक्ष्म क्रियाएं खड़े हुए करते हैं। अब कुछ क्रियाएं हैं जो कि बैठ के करनी है हमें। चलिए कुछ देर विश्राम करें। दोनों हाथ पीछे की तरफ करें, पैरों को सामने, ढीला छोड़ते शरीर को, सांस सामान्य बनाएं। चलिए अब हम करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं जो हम बैठ के करते हैं। हमें क्या करना है, आपका दाया घुटना मुड़े बाएं के ऊपर रखें, अपने हाथ से अपने पंजे को पकड़े, दूसरा हाथ यहां रखें और इसको घुमाएं, पूरा सर्कुलर मोशन में इसको घुमाएं। कमर सीधी रखें, सामने वाला जो पंजा है वो खिंचा रहे, विपरीत दिशा में घुमाएं, अब देखिए घुटना यहां आप रखें पंजे से यहां, ये दोनों एक सीध में होने चाहिए, सामने हो। कई लोग ऐसे नीचे कर लेते हैं, वो नहीं,
इसको सामने रखें, करें। पीछे जाए तो पूरा खींचे इसको, सामने वाले घुटने को और पंजे को तान के रखें, रखें इसको यहां, दोनों हाथ की ग्रिप बनाए ऐसे करके, यहां लगाए और दबाइए, ऊपर खींचे, शरीर सामने रखें। फिर से देखें, जब आप ये क्रिया करते हैं तो आपको पद्मासन और सुखासन लगाने में आसानी होगी। दूसरे पैर से करें, घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं। चेहरे की प्रसन्नता आपकी जानी नहीं चाहिए, खुश रहेंगे। हर क्रिया आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करेगी। उठाएं, झुलाएं अपने पैर, रखें ऊपर, दोनों हाथ से ग्रिप बनाएं, सामने देखें, कोशिश करें घुटने को जमीन पर लगाने की। दोनों पैर सामने की तरफ करें, ग्रिप बनाएं हाथ की ऐसे, पंजे और ईडी के बीच में अपने हाथ को रखें, पंजों पे पैर को खोल दें सीधा। देखिए यहां पर पैर बिल्कुल सीधा रहेगा आपका, ऐसे कोई बैंड नहीं करना, मोड़ना नहीं है घुटने को, बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे। खींचिए, यथास्थिति बनाए रखें कुछ देर के लिए। दूसरे पैर से करेंगे, वापस आएंगे। अब घुटना मोड़े, दाहिने पांव का घुटना मोड़े, यहां हाथ लगाएं। क्या करना है आपको देख लीजिए, मोड़े, खोले, सीधा करें, मोड़े, ऊपर, आगे, पीछे, ऊपर, आगे, पीछे करते जाएं। अब विपरीत दिशा में करना है, पहले आगे, ऊपर, आगे, ऊपर, नीचे। जो बाएं पैर है आपका वो उतना रहेगा, बिल्कुल खींच के रखिए उस पैर को। अब दूसरे पैर से करेंगे, वही मोड़े, ऊपर ले जाएं, सामने, पीछे, ऊपर, सामने करते जाएं। देखिए जब आप ऊपर जाते हैं आपका पंजा ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर जब आप सामने खोलेंगे इसको तो आपको ऐसे कर देगा ये दाहिनी, ठीक है। फिर से जब विपरीत दिशा में करेंगे, पैर खींचे, ऊपर लेके जाएं, मोड़े, कर। दोनों पैर सामने रखें, दोनों हाथ सामने, देखिए जैसे हम किसी रस्से को खींचते हैं उसकी तरह हमें करना है, करें। विश्राम करें और हमारी जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो यहाँ पर खत्म होती हैं। अब हम लोग आसन करना स्टार्ट करेंगे।